नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, खबर चंडीगढ़ से है जहां हरियाणा विधानसभा को भंग कर दिया गया। बता दें कि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधानसभा के कार्यकाल को भंग करने की मंजूरी दी है। हरियाणा कैबिनेट ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश राज्यपाल से की थी। उधर बीजेपी प्रत्याशी श्रुति चौधरी ने तोशाम विधानसभा क्षेत्र से किया नामांकन पत्र दाखिल। आपको बता दें कि इस दौरान तोशाम अनाज मंडी में जनसभा का आयोजन भी किया गया। नामांकन के दौरान बीजेपी प्रभारी विप्लव देव, लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी भी उपस्थित रहीं। इस दौरान किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने कहा कि तोशाम चौधरी बंसीलाल और सुरेंद्र सिंह की कर्मस्थली रहा है। इस क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर चमकाना उनका उद्देश्य रहा। मैं तो शाम के सभी सम्मानित लोगों से आज प्रार्थना करती हूं कि मुझे जिताएं ताकि आने वाला टाइम उसी तरीके से हम काम कर सकें जैसे किया है। गांव गांव में विकास किया है, कोई ऐसा काम नहीं जिस पे घोर से घोर विरोधी भी नहीं कह सकता जहां काम नहीं हुआ। उस काम को आगे बढ़ाएंगे। किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में जाएंगे आप? क्या हमेशा प्रगति, विकास, सबकी भलाई, छत्तीस बिरादरियों का भाईचारा। आज श्रुति का विधिवत नॉमिनेशन हुआ है और श्रुति की पारी अब शुरू होगी और आप देखिएगा अपने दादा का, अपने पिता का, अपनी माँ का नाम जो है और अपने लोगों का, तो शाम के लोगों का जनहित के कार्य में तो शाम को अव्वल दर्जे के ऊपर जो है श्रुति हरियाणा के अंदर लेकर जाएगी। जिस तरह से मैंने 20 साल तो शाम की जनता को सींचा, तो शाम के इलाके का विकास करवाया। श्रुति जो है तो छोटी सी यहां पर आने शुरू हुई थी, चौधरी बंसीलाल जी उंगली पकड़ के अपना लेकर आते थे श्रुति को उस समय से, और उसके बाद अपने पिता का भी जो है पूरा काम करती थी। मेरा तो सारा चुनाव जब भी मैंने लड़ा चारों बार श्रुति ने संभाला है। उधर निर्दलीय प्रत्याशी राजेश जून ने कई गांवों का दौरा किया। गांव सराय औरंगाबाद में पहुंचने पर ग्रामीणों ने राजेश जून का जोरदार स्वागत किया, तो वहीं लोगों ने पगड़ी और फूलमालाओं से अभिनंदन करते हुए राजेश को जीत का आशीर्वाद दिया। तो वहीं ग्रामीणों ने कहा कि इस गांव ने जिसको समर्थन दिया उसने जीत दर्ज की है और कहा कि इस बार हम राजेश जून के साथ हैं। वहीं राजेश जून ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि घर घर जाकर लोगों से अपने पक्ष में मतदान की अपील की है और अपने जोरदार सम्मान पर राजेश जून ने सराय गांव के ग्रामीणों का आभार जताया है और कहा कि विधायक बनते ही वो सराय औरंगाबाद गांव में शहर की तर्ज पर सीवरेज सिस्टम कराएंगे। नामांकन के बाद प्रचार का पहला दिन है। पहला गांव थोड़ा सराय गांव है, मैंने यहाँ से सराय गांव से अपना प्रचार शुरू किया है और जीतने के बाद भी मेरा धन्यवाद का 8 तारीख को ही रात के 8 बजे से 10 बजे मैं पहला धन्यवाद करके मैं सराय गांव में आऊंगा। आज जो मैं यहाँ प्रचार करने के लिए आया हूँ, पूरे गांव की 36 बरादरी ने, सभी माताओं बहनों ने, सभी मेरे चाचा ताऊओं ने, मेरे बड़े भाइयों ने, मेरे नौजवान साथियों ने, सभी मेरे भतीजों ने जी जान से यहाँ पे प्रोग्राम किया, मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया और मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि हम सराय गांव से भाई राजेश जून आपको बहुत ज्यादा मार्जिन से जिता कर भेजेंगे। और मैंने भी अपने दिल से, आत्मा से, वैसे तो हमारा गांव ही है लोहा माजरा सराय, एक ही साथ ही रहे हैं हमेशा, अपना गांव ये लोहा, ये सराय भी मेरा ही गांव है, अपना गांव मानते भी। मैंने भी संकल्प लिया है, जो सराय गांव है इस शहर के बीच में आ गया है, सराय गांव में मैं शहर की जो सुविधा होती है, चाहे वो सेवा की हो, चाहे वो पार्क की हो, चाहे कोई ना कोई मेडिकल की कोई क्लिनिक व्यवस्था हो, यहाँ पे पूरी शहर की सिस्टम, सारे के सारे शहर की सुविधा मैं यहाँ लेकर के और गांव के साथ दुख में सुख में जी जान से गांव के विकास के लिए काम।
उधर हरियाणा कांग्रेस ने 40 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिनमें कई कांग्रेसी नेताओं के परिजनों को भी टिकट मिला है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल बिश्नोई के बेटे चंद्रमोहन को पंचकुला से प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के दामाद सौमवीर सिंह को बाड़ड़ा विधानसभा से टिकट दिया गया है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री निर्मल सिंह को अम्बाला शहर से उम्मीदवार बनाया गया है। उधर हरियाणा के पूर्व गृहमंत्री और अंबाला छावनी से भाजपा के उम्मीदवार अनिल विज ने बहुत इंतजार के बाद देर रात कांग्रेस की लिस्ट जारी होने पर चुटकी लेते हुए कहा कि दुनिया के सारे काले काम रात को ही होते हैं, इसलिए इनकी जैसी करतूतें हैं उसी अनुसार इनकी लिस्ट रात को जारी की गई है। इसके अलावा विज ने कहा कि अब और तब में कोई फर्क नहीं है और इसके लिए उनके सामने चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाएं या फिर राहुल गांधी खुद आ जाएं। कांग्रेस की तो उसको बहुत बर्बाद किया है और अब जहां जहां इनकी सरकारें हैं, चाहे हिमाचल हो चाहे कर्नाटक हो, सब जगह ये तुष्टिकरण की नीति पर चल रहे हैं और वो देश के लिए बहुत घातक है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। बेटे भाई मौज कर दी नुए होया करती इन बड़े छोटे मियां की मौज 10 साल पहले तक। नौकरी बेचो, किसाना की जमीन कब जाकर सौदा करो, अरे मौज करो नॉन स्टॉप है। फिर हमने बीजेपी तो वोट दिया और इनकी मौज पर आ गई फुल स्टॉप। जब बेटा हमने भरोसा है बीजेपी पे, ना कि इन घूसखोर फैमिली बिजनेस वाला पे, नॉन स्टॉप विकास बीजेपी पे विश्वास। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 70 42 40 40 40 पर कॉल करिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व मंत्री निर्मल सिंह की बेटी चित्रा सरवारा को टिकट न मिलने से काफी हताश नजर आ रही हैं, जिसके बाद पार्टी से बगावत कर अपने समर्थकों के साथ पहले मीटिंग करने के बाद उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। नॉमिनेशन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए चित्रा ने बताया कि वे समझते हैं कि वे किसी एक पार्टी के उम्मीदवार नहीं होते, एक इलाके के भी होते हैं और उसी पर खरा उतरना इस बार उनकी मंशा भी है और कोशिश भी है। उन्हें उम्मीद है कि जनता उनका साथ देगी, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर वे पिछले 10 सालों से मौजूदा विधायक और गृहमंत्री को घेरा है, उन्हीं मुद्दों पर वे उन्हें इस बार जवाबदेह भी बनाएंगे और एक बदलाव अम्बाला में लेकर आएंगे। साथ ही उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। सिर्फ एक पार्टी के उम्मीदवार नहीं होते, हम एक इलाके के, एक विधानसभा के साथियों के भी उम्मीदवार होते हैं और उस उम्मीदवारी पे हम खरा उतरना हमारी अब की बार पूरी की पूरी हमारी मंशा है, कोशिश है और हमें उम्मीद है कि जनता और इलाका हमारा साथ भी देगा। जिन मुद्दों को लेकर पिछले 10 साल से जमीन पर रहे हैं, जिन मुद्दों पर हमने 10 साल हमारे मौजूदा विधायक और एक्स गृह मंत्री को घेरा है, उन मुद्दों पर हम उन्हें इस चुनाव में जवाबदेह भी बनाएंगे और एक बदलाव, एक सकारात्मक बदलाव अम्बाला में लेके आएंगे, एक भयमुक्त अम्बाला हम सब मिलके बनाएंगे।
देखिए मैं ये कहूंगी कि मेरे को तो एक ही टिकट की उम्मीद थी, जो सिटी के प्रत्याशी हैं उनको एक की उम्मीद थी, उनकी मिल गई, मुझे मेरी वाली नहीं मिली। पर जैसा कि मैंने कहा कि जो मेहनत रही है, जो साथी साथ रहे हैं, सबका मन था कि टिकट चाहे पार्टी देती हो लेकिन वोट तो फिर भी हमें जनता से लेनी पड़ती है, तो हम जनता के आगे अपना ये इम्तिहान भी दें। उधर अंबाला कैंट से कांग्रेस प्रत्याशी परविंदर परी ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। आपको बता दें कि नॉमिनेशन फाइल करने से पहले वो अंबाला कैंट कांग्रेस भवन पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। कांग्रेस भवन में हवन यज्ञ किया गया और उसके बाद रोड शो निकाला गया। परविंदर परी ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों को लेकर आगे चलेंगे। इस तरह से जीता जाएगा, मैं समझता हूँ हरियाणा में चुनाव हम तो जीते बैठे हैं। ये बदलाव की जो आंधी चल रही है हरियाणा के अंदर, ये सभी को देखने को मिल रही है। सभी वर्ग को अगर आप देखोगे तो बदलाव चाहता है। मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया, अभी मैं पहुंचा हूं तो मुझे नहीं पता लगा कि अभी कोई आजाद कोई फॉर्म किसी ने भरा है। मुझे पता कि हम कांग्रेस पार्टी का फॉर्म भरने आए हैं, सभी हमारे साथ कांग्रेस के सच्चे कांग्रेसी यहाँ हमारे साथ खड़े हैं और हमें विश्वास है, हमें आशा है कि कांग्रेस बटेगी नहीं। कांग्रेस के जो जिसके खून में कांग्रेस है वो कांग्रेस को ही वोट देगा। कांग्रेस को खराब करने की कोई कोशिश करेगा तो कांग्रेस कभी खराब नहीं होगी। तो एक मुद्दा नहीं। उधर एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बड़े भाई और छोटे भाई के मुद्दे का हल बैठकर अच्छे तरीके से किया जाएगा। अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो इस समस्या का समाधान किया जाएगा। बता दें कि कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा बेरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सोनू अहलावत का नामांकन भरवाने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में सिर्फ इसलिए बंद रखा है ताकि लोगों के बीच नहीं जा पाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात के चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी को टारगेट किया गया है। बेरी विधानसभा से सोनू अहलावत जी, जो अश्विनी जी के धर्मपत्नी हैं, वो इलेक्शन लड़ रही हैं और पार्टी ने ड्यूटी लगाई है यहाँ नॉमिनेशन के लिए और प्रचार के लिए। तो मैं यहाँ की जो मैंने माहौल देखा है, जो आज इन्होंने रोड शो के साथ लोगों के अपने कागज दाखिल करने के लिए आए, तो बहुत अच्छा माहौल था। और मेरे को लग रहा है जो माहौल बना है हरियाणा में उसमें ये बेरी विधानसभा जो है अच्छे मार्जिन से जो सीट जो है निकल के बाहर आई। पूरे बेरी हलका की जनता नामांकन करने के लिए आई है। पूरे बेरी हलका के पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माता बहने, सभी युवा साथी अपनी उन उम्मीदों को लेकर के नामांकन करने आए हैं, जिन उम्मीदों को पिछले 30-35 साल से कुचला गया, जिनको 30-35 साल से दरकिनार किया गया। दुर्भाग्य रहा बेरी हलके का, जो ऐसे ऐसे लोग बेरी हलके में बांटा आए और बेरी हलके में जिन्होंने अपने चौधरी का नारा देकर, सरदारी का नारा देकर के और जिस तरीके के लोगों के जो विकास के मुद्दे हैं उनको ढकने का काम किया गया, जिससे आज पूरे बेरी हलके का सर्व सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने और कहीं न कहीं लोगों को उन राजनीतिक भावनाओं में उलझाए रखा, उन राजनीतिक जो ब्लैकमेलिंग भावनाएं उनमें उलझाए रखा। उधर नारनौद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार जस्सी पेटवार्ड ने अंतिम दिन अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी शिल्पा जस्सी ने भी कवरिंग कैंडिडेट के रूप में अपना नामांकन जो है दाखिल किया है। कांग्रेस उम्मीदवार जस्सी पेटवार्ड ने कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि पार्टी ने संघर्षशील नौजवान को टिकट दी है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात से भी बड़ा खुश हूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो 90 कैंडिडेट घोषित किए हैं उनमें ज्यादातर युवा चेहरों को मौका दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि पार्टी ने पूरे हरियाणा में सर्वे के आधार पर पार्टी के कैंडिडेट को टिकट दिया है। उधर विधानसभा चुनाव को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल ने हरियाणा लोकहित पार्टी का समर्थन करने का ऐलान किया है, जिसके तहत इनेलो हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रत्याशी गोपाल कांडा का समर्थन करेगी।
उधर अंबाला से निर्मल सिंह को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाए जाने पर जश्न मनाया गया। रात को लिस्ट आने के बाद निर्मल सिंह के समर्थकों ने जश्न मनाया, साथ ही जीतेगा भाई जीतेगा के नारे भी लगाए गए। निर्मल सिंह को टिकट मिलने के बाद अंबाला में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर हो गई है। सबसे पहले तो हमारी पार्टी की हाईकमान का, सोनिया जी का, राहुल जी का, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का, वेणुगोपाल जी का, और उनके साथ ही हमारे प्रदेश की जितने भी हमारे सीनियर लीडरशिप रही है, बाबरिया जी, भूपेंद्र हुडा जी, उदय भान जी और दीपेंद्र हुडा जी, हम सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जो विश्वास उन्होंने चौधरी निर्मल सिंह जी पे, टीम पे, इलाके पे जताया है। और आज हम उन्हें भरोसा दिलाना चाहेंगे कि अंबाला सिटी से एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत कांग्रेस जो है दर्ज करने जा रही है। तो उनका आभार और साथ ही में हमारा एक आश्वासन है सारी अंबाला की जनता को कि अब आपके जो दिन थे भाजपा के जो कालेकाल के वो बीतने वाले हैं और हाथ के साथ हम सब अपने हालात। उधर फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट से इनेलो पार्टी ने हबीब हमन नगर को चुनावी मैदान में उतारा है। इसको लेकर हबीब हमन नगर को ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उस पर वो खरे उतरेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट को आईएनएलडी की झोली में डालने का काम करेंगे। पिछली सरकारों ने फिरोजपुर झिरका विधानसभा में कोई विकास कार्य नहीं किया है। इनेलो की सरकार ने आने पर जो है फिरोजपुर झिरका में भरपूर विकास कार्य कराए जाएंगे। माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, माननीय अभय सिंह चौटाला जी और हमारे जिलाध्यक्ष आयुष आप जी, सबका बहुत बहुत आभार धन्यवाद। और हम नाम कल कर रहे हैं नॉमिनेशन, और सुबह 10 बजे सारे लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। जनसभा बुलाई गई है नामांकन से पहले, और कौन सा बड़ा नेता है इंडियन लोकदल का आपके नामांकन में शामिल हो सकता है? हम लोगों ने सब 10 बजे का समय दिया है, सब लोग सभी भाइयों से गुजारिश है कि 10 बजे आए। आशु, एक कुर्सी और इधर लिया, आशु कहाँ है लियो। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ओ पीछे देखो पीछे, नुए हमने पाँच छह करती आई है अब पहले की सरकार, कदा हमने बांट के कदा आपस में लड़वा के, पर जब से हमने बीजेपी तक वोट दिया है ना, हम नॉन स्टॉप आगे बढ़ते गए हैं। स्पोर्ट्स में आ गए, स्टार्टअप में आ गए, खेती बाड़ी में आ गए और इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गए। जब ये हमने अपनी बीजेपी पे इतना विश्वास है, नाकिन परिवारवादियों की पिछड़ी हुई सोच पे, नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पे विश्वास। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, खबरों का रुख करते हैं। रतिया से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जरनैल सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान जरनैल सिंह ने एक रोड शो भी निकाला और एसडीएम कार्यालय में जाकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर मीडिया के साथ जो है रूबरू होते हुए पूर्व विधायक और कांग्रेस के उम्मीदवार जरनैल सिंह ने कहा कि पार्टी नेतृत्व में उन पर जो विश्वास किया है, रतिया क्षेत्र की समस्याओं से भली भांति वे परिचित हैं। जीतने के बाद जो है पहली सुनीता दुग्गल प्राथमिकता के तौर पर समाधान करवाएंगे। वहीं जर्नैल के समर्थकों का कहना है कि रतिया से जर्नैल से हैं भारी मतों से जीतेंगे और हरियाणा में कांग्रेस 80 सीटों से जीतकर हुड्डा की सरकार बनाएगी। मैं पहले तो
सीनियर नेतृत्व का कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने जरनैल सिंह पर दोबारा भरोसा जताया। और मैं आपसे और नेतृत्व से भी वादा करके आए थे, हम सभी साथी गए थे कि 40,000 से ऊपर ज्यादा से जिता के लेके जाएंगे, हुड्डा साहब की टोली में डालेंगे जिनको। एक आपने हुड्डा साहब से पिछले दिनों बात भी की थी कि अब की बार 75 पार, अब की बार 80 पार की बात की थी, अब की बार हुड्डा सरकार 80 पार, और वो मेरे को लगता है कि सच्चाई हो रही है, वो मेरे को लगता है कि इस बातें सच होगी, 80 पार जाएंगी सीटें, इसमें कोई दो राय नहीं है। रतिया में रिस्पॉन्स कैसा लग रहा है? रतिया में तो एक तरफा माहौल है जी, जरनैल सिंह की टक्कर में कोई नहीं है। साढ़े कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता साथियों का धन्यवाद करते हैं क्योंकि इन्होंने सदका ही इन्होंने आशीर्वाद के नाल ही जो मैं दोबारा जोड़ा है कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है और बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हो कितना जोश है कार्यकर्ताओं के साथ में, जो है आने वाला समय जो है बहुत कांग्रेस पार्टी का होगा। रतिया के मुद्दे बहुत हैं, किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, नशे का मुद्दा है और डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं इन मुद्दों को जो है अपना व्यापारी भाइयों के मुद्दे हैं और मंडी के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं, किसान भाइयों के बहुत सारे मुद्दे हैं और रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुका है, आज सारा युवा वर्ग जो है नशे के पासे जो है तक चुका है। मेरा विशेष तौर पर इन जो मुद्दों के उत्ते विशेष तौर पर ध्यान देकर मैं इन्हों काम करांगा और इन्हों मिलकर सारे मुद्दे हल कर। उधर निर्दलीय प्रत्याशी राजेश जून ने कई गांवों का दौरा किया, गांव सराय औरंगाबाद में पहुंचने पर ग्रामीणों ने राजेश जून का जोरदार स्वागत किया, वहीं लोगों ने पगड़ी और फूलमालाओं से जो है अभिनंदन करते हुए राजेश को जीत का आशीर्वाद दिया। ग्रामीणों ने कहा कि इस गांव में जिसको समर्थन दिया है उसने जीत दर्ज की है और कहा इस बार हम राजेश जून के साथ हैं। वहीं राजेश जून ने सभा को संबोधित करते हुए घर घर जाकर लोगों से अपने पक्ष में मतदान की अपील की और अपने जोरदार सम्मान पर राजेश जून ने सराय गांव के ग्रामीणों का आभार जताया और कहा कि विधायक बनते ही वो सराय औरंगाबाद गांव में शहर की तर्ज पर सीवरेज सिस्टम कराएंगे। प्रचार का पहला दिन है, पहला गांव मेरा सराय गांव है, मैंने यहां से सराय गांव से अपना प्रचार शुरू किया है और जीतने के बाद भी मेरा धन्यवाद का 8 तारीख को ही रात के 8 बजे से 10 बजे मैं पहला धन्यवाद करके सराय गांव में आऊंगा। आज जो मैं यहां प्रचार करने के लिए आया हूं, पूरे गांव के 36 बरादरी ने, सभी माताओं बहनों ने, सभी मेरे चाचा ताऊओं ने, मेरे बड़े भाइयों ने, मेरे नौजवान साथियों ने, सभी मेरे भतीजों ने जी जान से यहाँ पे प्रोग्राम किया, मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया और मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि हम सराय गांव से भाई राजेश जून आपको बहुत ज्यादा मार्जिन से जिता कर भेजेंगे। और मैंने भी अपने दिल से आत्मा से, वैसे तो हमारा गांव ही अलवा माजरा सराय ही रहे हैं हमेशा, अपना गांव ये सराय भी मेरा ही गांव है, अपना गांव मानते भी, मैंने भी संकल्प लिया है जो सराय गांव है इस शहर के बीच में आ गया है, सराय गांव में मैं शहर की जो सुविधा होती है चाहे वो सीवर की हो, चाहे वो पार्क की हो, चाहे कोई ना कोई मेडिकल की कोई क्लिनिक व्यवस्था हो, यहाँ पे पूरी शहर की सिस्टम सारे के सारे शहर की सुविधा में लाते करके और गांव के साथ दुख में सुख में जी जान से गांव के विकास के लिए। मैं अभी यहाँ से आया हूँ रोड से के सामने से, यहाँ से मैं मुझे ऐसा लगता था मैं गाड़ी से उतर के पैदल चलूँ तो अच्छा रहे, इतने गड्ढे रोड टूटे हुए हैं। आप यहाँ जज्जर जाओ या जज्जर रोड से यहाँ सारे रोड टूटे हुए हैं, हाल बेहाल है। हाँ जी, रोजगार यहाँ धुआं आम खा रहे हैं पूरी फैक्ट्रियों का, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, सब दिल्ली से बच्चे आते यहाँ, दिल्ली के आते यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, हम फैक्ट्री वालों के पास जाएंगे उनकी सुविधा पूरी करेंगे और अपने यहाँ बच्चों का बच्चे का जैसा नहीं होगा कंपनियों में वहां नौकरी करवाएंगे। हमारे सरकारी स्कूलों का देखो, सरकारी स्कूल कहने के लिए 100 बेड से 200 बेड का हो गया है, कुछ भी नहीं है उसमें, कोई एडमिशन नहीं है, चाहे किसी को छोटी मोटी चोट लग जाए, नॉर्मल बीमार हो जाए, किसी का यहाँ एडमिट करके उपचार नहीं किया जाता है जी। ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे गरीब आदमी भी बहुत रहता है, गरीब आदमियों के जिसके बच्चे दो दो स्कूल में पढ़ते हैं उसकी 15,000 तक की इनकम में उसका पूरा नहीं पड़ता प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए। यहाँ पे आज से 20 साल पहले भी इस बहादुरगढ़ शहर में 7 सेक्शन थे 11वीं 12वीं क्लास के, आज भी वो 7 सेक्शन है, किसी भी विधायक ने बच्चों की शिक्षा के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के दर्जे से हम चलाकर दिखाएंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।